Hello all my dear viewers, welcome back again to our YouTube channel. Today is Sunday and we are here in Sir Vilas Palace. So let's see अंदर क्या है and this is the main entry. ये main entry है इस palace का जो कि काफ़ी luxurious palace है. ये है इसका अंदर का मेन गेट जहाँ पे हम बिना एंट्री के नहीं जा सकते हैं. हमें यहाँ पहले से एंट्री कराना होता है. तो हमने ऑलरेडी यहाँ बुकिंग कराई हुई है. तो नाउ हियर वी गो. बहुत हवा चल रही है. क्या उड़ रही है. ओके फाइन हियर वी गो. मेरे सामने आप देख सकते हैं शिव विलास पैलेस जो कि संदूर में स्थित है. इसका निर्माण हुआ था 1940 के दशक में और इसको बनवाया था श्रीमंत सरकार महाराज यशवंत राव हिंदू राव गुरपड़े जी ने. ये पैलेस जो है 22 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है. मैंने तो गाड़ी से उतर गई हूँ और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेन लॉन्स फर्स्ट एंड सेकंड है यहाँ पे गार्डन एरिया है जो आप एंजॉय कर सकते हैं जाकर यहाँ पे. और सामने ठीक सामने आपको शायद पैलेस दिख रहा होगा. मैं जूम करती हूँ. मैं ठीक सामने पैलेस है जहाँ पे हम जाएंगे. मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है. लेट्स सी क्या है आगे. आई होप इट शुड बी वेरी एडवेंचरस. हिस्टोरिक चीज़ों में अगर आप जाते हो तो उसमें इंटरेस्ट अलग ही होता है अगर आप जा रहे हो वहाँ पे तो. और फाइनली आद्या तो बिल्कुल भी प्रिंसेस के जैसे इसने ड्रेस वेयर किया है. एक्चुअली ये इसका रक्षाबंधन ड्रेस था बट रक्षाबंधन 31 को हो की वजह से इसने ड्रेस ही नहीं पहन पाई. तो ये बिल्कुल प्रिंसेस वाली फीलिंग आ रही है एंड शी इज़ वेरी हैप्पी. सो वी बोथ आर गोइंग देयर. पैलेस का बाहरी इलाका है जहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी मेंटेन किया गया है इसे. यहाँ पर आप बोर्ड लगी हुई देख सकते हैं. डाइनिंग एरिया है जहाँ पे बैठ के शायद जो लोग यहाँ पे नाइट स्टे करते होंगे उनके लिए है. ये बोर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बारबेक्यू लॉन्च द रॉयल ग्रिल तंदूर पवेलियंस. सो वॉट एवर जो भी इनका डिश अवेलेबल है यहाँ पर आप कर सकते हो. मोस्टली यहाँ पर रॉयल है यहाँ. हाँ थोड़ा कॉस्टली है यहाँ पर बट अगर आप अपना डे वन डे एक दिन में कुछ इंजॉयमेंट चाहते हैं कुछ अच्छा चाहते हैं तो आप यहाँ आके अपना टाइम अच्छा स्पेंड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए. गार्डन्स हैं. पहले के ज़माने के तुलसी के पेड़ जो हैं वो कैसे होते थे वो काफ़ी पुराने पेड़ वो आप देख सकते हो. अभी तो हम देख रहे हैं बहुत कुछ अभी आगे देखने का क्योंकि हम भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हुए तो हमें पता नहीं है अभी क्या क्या है. पैलेस में बहुत कुछ है आप देख सकते हैं. ठीक मेरे पीछे ये स्विमिंग पूल है. यहाँ मॉर्निंग 7 AM से स्टार्टिंग है स्विमिंग पूल. आई थिंक 7 to 9 तक कुछ टाइम है. एक्चुअली हम यहाँ पे लंच के लिए आए हैं. मॉर्निंग का प्लान था बट लेट हो गया नहीं तो हम भी यहाँ एंजॉय कर सकते थे. अभी ये क्लोज हो जाता है. इस वक्त ये क्लोज हो जाता है. अभी दोपहर के 2 बज रहे तो ये क्लोज हो चुका है. तो आपको अगर स्विमिंग पूल का यहाँ पे इस पैलेस में आना है और इन्जॉय करना है स्विमिंग पूल तो प्लीज़ आप मॉर्निंग की तैयारी करिए. आप मॉर्निंग में आइए यहाँ पे. मॉर्निंग 7 AM से ये स्विमिंग पूल स्टार्ट हो जाता है. ये फ्लावर्स के आप कलर्स देख सकते हो कितने ब्राइट सो ब्यूटीफुल बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं. और इतने ज़्यादा मतलब यहाँ पे इतना तो मैंने देखा नहीं इतने ज़्यादा और इतने अच्छे लग रहे हैं. आप बस ऐसा हल्का छूने से ये हाथ में आ रहे हैं. वाओ कलरफुल वाइब्रेंट वेरी नाइस डिफरेंट कलर्स इट्स रियली वेरी अट्रैक्टिव. मेरे पीछे देख सकते हैं बैक एरिया है पैलेस का. काफ़ी बड़े एरिया में ये पैलेस बनवाया गया है. मुझे ये नहीं पता है कि ये पैलेस किसने बनाया है बट मैं देख रही हूँ कहीं कुछ ऐसा डिटेलिंग होगा तो मैं ज़रूर अपने इस आगे के वीडियो में डालूंगी. यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है आप देख सकते हैं यहाँ पे जिम और स्पा भी है. बट ये जो आफ्टरनून का समय है इस समय ये सब कुछ क्लोज रहता है. ऊपर में आप देख सकते हो ऊपर में जाना है आपको इस स्टेयरकेस की हेल्प से आप ऊपर जा सकते हो. और यहाँ पे जिम है ऊपर और उसके लिए बैक टू बैक आपको स्पा मिलेगा. बट अभी हमने पता किया ये क्लोज है. आई थिंक मॉर्निंग एरिया में इसका खुलने का समय होगा. अभी तो सब कुछ क्लोज है इसलिए हम अंदर नहीं जा पा रहे. अगर अदरवाइज अगर स्पा रहता तो डेफिनेटली मैं ज़रूर जाती स्पा के लिए. ये हमें मिल चुका है स्पा जाने का.
अंदर अलाउ तो अभी नहीं है क्लोज, तो बट मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाने के लिए तो मैं एक बार बात करूँगी। मेरे सामने आप देख सकते हैं स्पा। स्पा में जाने के लिए आपको इस रास्ते से जाना है, लेकिन आप देख सकते हैं स्पा इस समय ओपन नहीं है। तो आउटर एरिया हम मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ का इस स्पा का आउटर एरिया। ये जो पैलेस है ओवरऑल एक्चुअली यू कैन से दैट स्प्रॉलिंग एरियाज जो है इसका अबाउट 22 एकर्स में फैला हुआ है, एंड अ पैलेस हैज़ 2 फ्लोर्स ऑफ अबाउट आई थिंक 20,000 स्क्वायर फीट ईच। आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं पैलेस का एंट्री गेट है, और इस पैलेस में खासियत ये है कि इसमें वेंटिलेशन, हर तरफ से वेंटिलेशन का ध्यान दिया गया है। तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ के जो जो केयर टेकर हैं आप कह सकते हैं, इन लोगों से एक बार इस पैलेस के बारे में नॉलेज लेने के लिए। तो ये मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे एक्चुअली पर डे के लिए क्या चार्जेस है, इवन वन नाइट स्टे का क्या चार्जेस है। हो यहाँ पे हर चीज़ को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। ये इमीडिएटली नहीं देते हैं रूम्स, आपको रूम्स के लिए यहाँ से पहले ऑर्डर करना पड़ता है, रिजर्व करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं स्टोरेज के, स्टोन्स हैं स्टोरेज के, और कुछ यहाँ पर ये कुछ मैप है, नक्शा है, क्या है पता नहीं, मुझे भी देखना पड़ रहा है। कुछ एरिया है जहाँ जैसे ये बना हुआ है, नीचे आप देख सकते हो कुछ स्टोनेज के स्टोन्स हैं। ये आउटर एरिया है जाने का, और ये रूम्स है जिसके लिए आपको प्री ऑर्डर यहाँ पर रिजर्व करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं महारानी सूट्स है, जो रूम्स हैं फ्लोर्स में, जो पैलेस के फ्लोर्स पे जो रूम है वो काफ़ी एलिगेंट है। इनसाइड से काफ़ी मेकओवर किया गया है, इंटीरियर डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है यहाँ पे। एंड जो क्लासी रूम्स हैं यहाँ पे, भजन हॉल है, एंड अगर आप गौर देंगे तो यहाँ पे वुडन स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं, वुड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। और किंग साइज बेडरूम्स भी अवेलेबल हैं, सेपरेट ड्रेसिंग रूम्स हैं, विंटेज पिक्चर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, एंड सिटिंग एरिया जो है काफ़ी नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर अक्सर मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया गया है कि जब भी हम कभी जैसे कि हेरिटेज होम्स या फिर पहले के ज़माने में जिन्हें होटल्स जो पहले पैलेस हुआ करते थे, जिन्हें रिनोवेट करके हम अब होटल्स बना रहे हैं, स्टैंडर्ड पे है यहाँ का, यहाँ पे आपको ओपन एरिया में ही बैठना पड़ेगा। यहाँ पे ओपन एरिया अगर आपको अपना लंच या फिर डिनर या फिर ब्रेकफास्ट ऑर्डर करना है तो अंदर एसी रूम है, तो हम यहाँ बहुत हॉट टेम्परेचर बैठ सकते हैं। हमें बफे नहीं चाहिए, हम अपना ऑर्डर करेंगे अपने मन के हिसाब से, इसलिए हम अंदर जा रहे हैं। मोस्टली यहाँ पे वुडन डोर, वुडन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है इस पैलेस के अंदर, आप देख सकते हो वुडन डोर, वुडन अलमीरा, किचन एरिया आई थिंक काफ़ी मेंटेन है यहाँ पे। यहाँ पे वेंटिलेशन का बहुत ध्यान रखा जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एरिया वाइज रहता है, वहाँ हवा बहुत ज़्यादा रहती है। बहुत इंटरेस्ट को देख के, क्योंकि बचपन में भी हम लोग मैसूर पैलेस में गए थे तो इसने बेबी चेयर ही यूज़ किया था, उस वक्त काफ़ी छोटी थी और एक्चुअली ये फिट नहीं होती अच्छे से इसमें, तो शी इज इंटरेस्टेड, फिर से क्लियर होगी खुली है। अच्छा एटमोसफेयर लग रहा है, बाहर काफ़ी हॉट था तो बफे तो हम नहीं यहाँ बैठ सकते थे, बहुत गर्मी है यहाँ पे, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो चारों तरफ का। आ चुका है ये, आप देख सकते हो ग्रेवी काफ़ी थिक है, मटन रोगन है, ये काफ़ी हॉट है, लच्छा पराठा है, पनीर टिक्का ग्रेवी, स्टीम राइस सैलेड एंड बारबेक्यू फ्राइड राइस, जो अभी नहीं आया है उसका आएगा। सो फाइनली अब जा रहे हैं करने, बहुत भूख लगी है, टाइम
टाइम भी काफ़ी हो चुका है, बज रहे हैं दिल्ली में 2:45 और बहुत वी आर गोइंग टू अटैक। फाइनली हमारा लंच हो चुका है, अब टमी बहुत हैप्पी है एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स द होम। बट अभी हमें ये बोर्ड दिखा विंटेज कार म्यूजियम, सो आई थिंक यहाँ कुछ है तो वाई नॉट वी गो देयर एंड वॉच क्या है, चलिए देखते हैं। फाइनली हमें मिल चुका है ये विंटेज कार म्यूजियम, तो आई थिंक ये पता नहीं क्लोज है ओपन है, तो हमें देखना पड़ेगा विंटेज कार्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं विंटेज कार्स उन कारों को बोलते हैं जो मोस्टली किस टाइम पीरियड में आते हैं, जो कि 1990 to 1930 के टाइम पीरियड के बीच में जो कार आते हैं उसे विंटेज कार कहते हैं। यहाँ पे हमें कई तरह के विंटेज कार आपको देखने को मिलेंगे, एंटिक्स, एंटिक कार्स, विंटेज कार, क्लासिक कार्स एंड सो ऑन। सो वी आर रेडी टू मूव होम, हमारा डिनर हो चुका है, अब हम जा रहे हैं गो। सो यहीं पे हमारा ये वीडियो खत्म होता है। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।